तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कार्बन के चेन्स, ब्रांच और रिंग्स कैसे बनते हैं कार्बन कंपाउंड्स के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं चेन्स ऑफ कार्बन, कार्बन के चेन्स कैसे बनते हैं। तो चेन्स ऑफ कार्बन का मतलब हो गया कि एटम्स कंटेन्स मेनी मोर कार्बन एटम, ठीक है। उसमें कार्बन की नंबर 1 हो सकता है, 2, 3, 4, ऐसे लंबा चेन उसमें बनते चला जाएगा। कार्बन कार्बन अटैच होते चल जाएगा, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, कार्बन कार्बन अटैच होते चला जाएगा और ये सीरीज में रहेगा। मेन कंडीशन ये होना चाहिए कि कार्बन कार्बन जो है वो सीरीज में हो, एक कार्बन पहला कार्बन दूसरे से अटैच हो, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवा, इसे सो ऑन चलते चला जाएगा। ये नंबर कितनी भी जा सकती है, ठीक है, एक से स्टार्ट होकर कितनी भी जा सकती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर कहीं बनता है कार्बन कंपाउंड में तो उसको कहेंगे चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे चेन बनते जा रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एक कार्बन एटम है, ये दूसरे से अटैच हुआ, ये दूसरे से, ऑब्वियस बात है कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, लेकिन वो अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, पहले हम लोग कार्बन पे ध्यान दे रहे हैं। कार्बन कार्बन अगर अटैच होते चल जा रहा है तो इसको कहेंगे चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के लिए देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो नाम होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये अभी और अगले वाला पार्ट में हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ पे सिंगल कार्बन है, यहाँ पे देखो डबल कार्बन है, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रेट लाइन में हुआ, ट्रिपल कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला वाला आखिरी वाला ये सबसे नहीं अटैच हो रहा, बस लाइन से अटैच होते जा रहा है, यही चीज ऑब्जर्व करना, पहला दूसरे से, तीसरे से, चौथे से। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बनता है तो उसको चेन ऑफ कार्बन एटम कहेंगे। जैसे कि स्टार्ट किया 1 से, फिर 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, 6 बना, लाइन से अटैच होते चल जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहा है तो उसको चेन ऑफ कार्बन एटम कहेंगे, ठीक है, यही मेन कंसेप्ट है इसका। अब यहाँ पे कहेंगे ब्रांच ऑफ कार्बन एटम हम लोग समझेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मान लो कहीं जा रहा है, ठीक है, कार्बन 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 स्ट्रेट लाइन कहीं जा रहा है, बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे एक ब्रांच निकल गया, ठीक है, इस तरह का ब्रांच निकल गया, फिर हो सकता है इधर भी एक ब्रांच निकल जाए, ठीक है, 2 निकल जाए, 3 निकल जाए, कुछ भी निकल सकता है। यहाँ पे भी आप देखो कार्बन का ऐसे अगर ब्रांच निकल जा रहा है तो एक से स्ट्रेट लाइन में से, एक चेन में से अगर 1, 2 या एक से अधिक या 2 या 4 या 8 जितना भी हो उसमें से अगर ब्रांचेस निकल रहे, स्टार्ट हो जा रहा है एक और कार्बन एटम से स्टार्ट हो गया ब्रांच निकल जा रहा, तो उसको हम लोग ब्रांच चेंज कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ पहले स्ट्रेट चेन का, ठीक है, सी 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 सी, ठीक है। अब इसको हाइड्रोजन से भर देता हूँ, पैर मेरे वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ये तो चेन का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इसी को एक ब्रांच बनाता हूं, यहाँ पे कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन बन गया, एक यहाँ पे कार्बन कर देता हूँ। देखो स्ट्रेट लाइन तो ये चली गई थी सीधे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चली गई थी, लेकिन इसमें से एक ब्रांच निकल गया, ठीक है, तो ये तो ब्रांच हो गया, ये ब्रांच वाला का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इसमें भी हाइड्रोजन भर के देखता हूँ, तब देखो एक कमाल का चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन भर दिए, यहाँ पे 3 है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, ये चार कार्बन का सिंपल चेन वाला कार्बन एटम हो गया, यहाँ पे ब्रांच्ड ऑफ कार्बन हो गया, कार्बन 3 यहाँ पे एक बीच से निकला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जोड़ो तो क्या कितना है, कार्बन कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो कितना है, 4 है, तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4, 4, 8, 1, 9, 1, 10, कार्बन की संख्या 10, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ो कार्बन कितना है, 1, 2, 3 और एक ब्रांच का 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन जोड़ो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाइड्रोजन भी 10 बता रहा है। एक बार फिर से गिन के देख लेते हैं सच में 10 है कि नहीं। इस कार्बन पे कितने हैं, 3, इस कार्बन पे कितना है, 1, 3, 1, 4 हो गया, इस कार्बन पे कितने हैं, 3, 4 और 3, 7 हो गया, और इस कार्बन पे भी कितने हैं, 3, तो 7, 3, 10 हो गया। तो यहाँ पे आप देखो फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, नंबर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है कार्बन है, लेकिन स्ट्रक्चर में यहाँ पे चेंज हो गया, स्ट्रक्चर चेंज होगा प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो जा रहा है और फॉर्मूला कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर बिल्कुल भी नहीं चेंज होता, सेम रह जाता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, STRUCTURAL, स्ट्रक्चर ISOMER, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं इसको, कहेंगे जो ये जो है ब्यूटेन है और इसको कहेंगे आइसोप्रोपेन, ठीक है, आइसोप्रोपेन, आइसोप्रोपेन और ब्यूटेन आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर का कंसेप्ट आता है कि अगर दो कंपाउंड का
कम जो कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर है वो अगर सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। ठीक है, तो ब्रांच भी आपको समझ में आ गई, स्ट्रेट चेन जो हो गया वो भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं रिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, रिंग ऑफ कार्बन में क्या हो जाएगा कि पहला कार्बन आखिरी वाले स्ट्रेट लाइन वाला अगर है तो उसमें से पहला और आखिरी से जाके अटैच हो जाएगा। जैसे कि कार्बन 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 पांच है, अब पहला वाला और आखिरी वाला आपस में अटैच हो जाए तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ पेंटागोनल टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, पेंटागोनल टाइप का स्ट्रक्चर, कार्बन का नंबर पांच हो गया, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन गया वो रिंग शेप हो गया, ये पांच कार्बन का रिंग हुआ, छह कार्बन का भी रिंग बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे छह कार्बन का रिंग बन गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे एक एक दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे यहाँ पे तो छह है, इसको हेक्सेन कहेंगे, यहाँ पे साइक्लिक के फॉर्म पे है, रिंग शेप में है, तो इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, CYCLOHEXANE, साइक्लोहेक्सेन के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, अगर ये रिंग शेप में आ जाते हैं मतलब कि क्लोज चेन में फॉर्म ले लेते हैं तो उसको साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। यहाँ पे आप जो बेंजीन रिंग होता है हमारा, ठीक है, बेंजीन जो होता है ये भी एक साइक्लो रिंग शेप का ही एग्जाम, रिंग ऑफ कार्बन का एग्जाम्पल। अलग बात है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे लेकिन यहाँ पे रिंग ऑफ कार्बन का ही एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया, जो पहला केस था जो हमारा चेन ऑफ कार्बन था वो उसमें स्ट्रेट लाइन होगा, पहला पहला कार्बन एटम दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे, इस तरह से अटैच होगा। उसके बाद हम लोगों ने समझ में आया, उसके बाद हम लोगों ने समझा ब्रांच ऑफ कार्बन में मतलब कि स्ट्रेट लाइन रहेगा उसमें से एक ब्रांच निकला हुआ रहेगा, और तीसरा हो गया कि रिंग ऑफ कार्बन रहेगा मतलब पहला जहां से स्टार्टिंग होगा एंड करने पे वो उसी जगह पे हम लोग पहुंच जाएंगे तो उसको कहेंगे रिंग ऑफ कार्बन एटम। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।